दोस्तों ऊंट लड्डे के ऊपर बैठ के ना मुझे घर की ऊंट से पड़ गई ऐसे ऐसे जैसे ऊंट ये चल रही ऊंट से पड़ गई कपड़ा खुल गया। राम राम जी, राम राम जी। कैसे हो? अच्छा, मैं आ गया। आप क्या कर रहे हो? बच्चों को छोड़ के आ गई। देखते हैं मैडम क्या कर रही है। हेलो मैडम, किट्टू के लिए खाना बना रहे हो? वाओ, किट्टू के लिए खाना बना रही है? मेरे लिए नहीं बना रही, वो आपके लिए बना रही है। ऐसे बोलिए, मैं किट्टू के लिए बना रही हूँ खाना, आपके लिए नहीं बना रही। अच्छा हूँ, कितना अच्छा है? बहुत अच्छा। और मम्मी? मम्मी नहीं गंदी है। अरे दोस्तों, मेरी बेटी मेरे से बहुत प्यार करती है। मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है ना किट्टा? आप मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? हाँ। मम, मेरे को क्या बोली, मैं गंदा हूँ? मम्मा से बोली पापा गंदे हैं। अच्छा मम्मा, मम्मा अच्छी है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? आपको डांटती है और आपको मारती भी है। देखो पापा के होते डरने की जरूरत नहीं मेरे बेटा। आप नहीं होते साफ ही बोलते, वो तो प्यार करती है तो करती है। तुम भी प्यार किया करो उससे। ये देखो दोस्तों, देखो सही। तो दोस्तों अभी आ गया मैं जिम से, फिर बतला मैं थोड़ा नहा धो लेता हूँ, फिर बतलाते हैं। दोस्तों ये हमारे किटुड़ी मोबाइल में गाना चला के और इसको डांस करने की सारी है, वीडियो बनाऊंगी जरा, इसलिए गाना दिखा रही क्या? चल कर डांस कर, ला फोन तो मेरे को दे दे, ला बस अब डांस कर, डांस कर ले, डांस कर। कैसे करेगी? तो गाइस नहा धो के रेडी हो गया बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और यार मैडम की थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो मैडम सूर्य दिमाग खराब हो रखा है, पता नहीं क्यों। जब से ऑफिस से आया, आने के बाद में देखा, थोड़ी देर बात की, उसके बाद में बोली मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, ऐसा है, कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, तो थोड़ी सी टेंशन सी हो रही है। चलो हमारे देखते हैं किट्टू रानी और मम्मी क्या कर रही है। इनको मैडम को आराम करने दे, थोड़ा दवाई दी है, अभी दवाई दी के सुलाया है, पहले सो जाओ तुम, क्योंकि तबीयत खराब होगी तो फिर ऐसे घूमोगी फिरोगी तो फिर दिक्कत होगी। तो चलते हैं मम्मी और के पास। ये देखो हमारा किट्टूड़ा क्या कर रहा है, क्या कर रही है तुम? हैं क्या बना रही हो? रोटी? मूंग साफ कर रही है। अच्छा मूंग साफ कर रही है? तू साफ कर रही है फैला रही है? तू साफ कर रही है फैला रही है? फैला रही है। दादी के साथ बैठी बैठी देख क्या करी जा रही है गंदी लड़की। खाना खा के आ गई? बना लिया। चलो आप करो ओगन करो आप, है ना। गाइस आज तो बादल हो रखे हैं, पता नहीं बरसेगी नहीं बरसेगी, लेकिन साथ में धूप भी है। ये देखो धूप अलग से दिख रही है तेज रोशनी के साथ, बस बरस जाए तो अच्छा है। मौसम तो बड़ा ठंडा ठंडा हो रखा है, हवा भी अच्छी चल रही है, तो देखते हैं बरसती है या नहीं बरसती। और छेनिया लाल क्या हाल चाल है? दोस्तों ये इतना VIP है, रोड भी क्रॉस करता है ना, तो बिल्कुल धीरे धीरे छानी छानी जाके करता है। कहाँ बाहर जाएगा आगे? ये देखो मेरे आगे की जरा, बोले पहले मेरे को बाहर निकालो फिर निकलने दूंगा। है चिकनू? अरे चिकनी लाल। हाँ बेटा वैसा के वैसा बनेगा। देखो दोस्तों बच्चे पार्टी आ गए स्कूल से, आते ही ना इनको तो ये आटे की बिल्डिंग देखनी है और कहना है कि मतलब कैसी बनेगी, कब बनेगी, हमको मूवी देखनी है। अरे बच्चा पार्टी आपको मूवी देखनी है? हाँ। देखो अभी तक रितिका तो अभी तक उसी को देखी जा रही है, ऐसे नहीं कि बोले वो सामने रोड की तरफ देख ले। दोस्तों हमारा एक साइड का मिनी लद्दाख तो हो गया ठीक बिल्कुल, और अब इस साइड का मिनी लद्दाख दिखाते हैं। भगवान इस साइड की को ठीक कर दो यारो, इस साइड से एक साइड से रोड ठीक हो गई, इस साइड के अंदर डुचुक डुचुक डचके बहुत है, अभी दिखाते हैं आपको डिचके। ये देखो दोस्तों आ गया हमारा मिनी लद्दाख, एक साइड की रोड तो ठीक हो गई, लेकिन अभी इधर से देखो, ये देखो अरे सामने वाली गाड़ी को देखो कैसे डिचक डिचक करके चल रही है, ये पता नहीं कब ठीक होगी। गाड़ी मेरी स्पीड पे चल रही है मात्र 20 की स्पीड पे, जब जाके पता नहीं लग पा रहा, अगर हल्की सी भी तेज हो ना तो डुचुक डुचुक उछल उछल के बच्चे ना उछल उछल के पढ़े। ये देखो बच्चा पार्टी पढ़ाई कर रही है, बातें कर रही हो, पढ़ाई कर रही हो, बातें करते करते पढ़ाई कर रही है। ये देखो चुलबुला, देखो देखो चुलबुले को, मेरे को देख के है ना चुटियां ही लग गई पढ़ने के लिए। और ये रितु को भी, ये तो आग मत मसले।
तो दोस्तों आ गए हमारे घर पे, तो मेव मेव मतलब बरसात, बरसो रे मेघा बरसो, बरस गया। तो सुबह का मैं तो वेट कर रहा था, बोले कब आए कब आए कब आए, लेकिन आ ही गई आखिरकार, ये आ ही गई वो घड़ी जब बरसात आ गई। तो मस्त हल्के हल्के फूल आ रही है, लेकिन ऐसे मूसलाधार बरसात जोर की कड़कड़ा के मजा आ जाए, लेकिन क्या करें जोर की बरस नहीं रही। लेकिन हमारा गार्डन बिल्कुल हरा भरा शानदार जानदार मज़ेदार हो गया। बाहर का व्यू कुछ ऐसा आ रहा है, अभी सुबह मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था तब ऐसा था और अभी ऐसा है। और नीचे बच्चे कर रहे हैं मस्ती, चिल्लाते हुए बच्चे मस्ती कर रहे हैं। देखो चुलबुल, किट्टू और ऋतिका तीनों चिल्ला रहे नीचे, अरे किट्टू और मेरे डंडे से मारेगी हैं, किसको क्या करिए, तू दीदी को डंडे से मारेगी। बेटा दीदियां दोनों में दीदियां मिल गए, तेरे को ठोकेंगे पकड़ के। चला जो ऊपर लेके चलूं, ऊपर लेके चलूं तेरे को, ऊपर चले क्या करेगी नीचे, इनको दोस्त नीचे आके ओघन करने हैं, ऊपर चलना तो है नहीं। सारे दिन ऋतिका को डांटती रहती हो तुम, और सारे किटू को डांटती रहती हो, ओघन करती रहती है ये वो फलाने में, खुद के ओघनों का नहीं पता। खोलो तुम्हारे बचपन के राज, आपके बचपन के राज खोल दूंगे फिर मैं पूरी खोल, मेरे तो खोल देना, मैं तुम्हारे बचपन के राज खोलूं क्या। दोस्तों इसके बताऊं तो इसके बचपन के राज, आज का टाइटल ही मेरा ये होगा किरण के बचपन का राज। ये कितनी शैतान खोपड़ी थी, कितनी ओगन करती थी, बताऊंगा सारी सारी बातें आपको बता दी, तुम्हें सारे ओगन करने वाली सारी बातें बताऊंगा आपके ऊपर। अरे मेरे पे संगे नहीं संगे, तुम पे बताता हूँ मैं, तुमको कहेगा तो कैसे क्या संगे, आपके बचपन के राज खोल दूं, मेरे खोलिए तो देख लेना अच्छे हैं। अच्छा है क्या? इसकी बाल बताओ ना, इसके देख इसका चांचरा फूटा हुआ है बचपन में, कैसे फूटा था चांचरा, कैसे गिरती थी। अभी ना सोफा जाए तो बोले छुरी भी लगेगी, ये वो फलाने डमका सो पकड़ के डांटती कूटती है, और खुद का नहीं पता तुमको, नहीं पता चांचरा कैसे फूटा तो बता, आज तो तुम बता चांचरा कैसे फूटा था, करती रहती थी पड़ तो पूरा क्या कहते आपके, अरे मेरा तो कुछ नहीं, अरे मेरा तो कुछ नहीं, पहले पता ना क्या करते, अरे मैं बताता हूं, सीधे चलते रहते थे और अरे क्या बोलते हैं गोडे फूट गए पापा जी मुंह पर देख, अरे दोस्तों ये बात थी जब मैं छोटा सा था ना बचपन में, जब मैं बचपन में छोटा सा था ना, तब मैंने स्कूल से आ रहा था तो एक दिन ठोकर खा के मैं गिर गया, तो मेरे ये यहाँ पे गोडा ना, यहाँ से गोडा फूट गया, यहाँ से गोडा फूट गया, तो फिर खून ही खून हो रहा, पैर में पक गया, घर आया, घर आते पापा ने डांटा मेरे को, छोड़ा कहीं गिर चाहिए तू, ये गोड़ फुड़ा है देख के नहीं चल सकता क्या तू, तो मैं कैसे था मैं तो हमारी चुलबुल के जितना सही तो था, तो 4-5 साल का, तो फिर मैंने कहा पापा पापा मैं क्या करूं कैसे देख के चलूं, मैं सीधा देख के चलूं ठोकर खा जाता हूं और ऊपर देख के चलूं ना तो गिर जाता हूं कैसे चलूं है, कोई गाड़ी एक्सीडेंट कर जाए मेरा। तो ये बात थी बचपन में, बचपन है सब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारा चाचा कैसे फूटा ही बताओ, कैसे कहां से गिरी थी। दोस्तों ऊंट लड्डे के ऊपर बैठ कर मुझे घर की ऊंट से पड़ गई है, ऐसे ऐसे जैसे ऊंट ये चल रही है ऊंट से पड़ गई, ऐसे कपड़ा हो गया। और उस दिन के बाद में इसके पापा ने ना इसको कभी बोले मारी बेटी ने जाने मामा को फोन करना, फिर जब भी जाते खुद के साथ लेके जाते, खुद के साथ लेके आते कैसे बेटी से ऐसे तो कैसे ये साइड है निशान, अरे तो बोलो ये निशान ही भूल गई किधर की साइड में, इधर की साइड में, किधर साइड में है, और गोडे कैसे पड़ा तुम्हारे पैर। दोस्तों मेरे तो इतने फिर भी नहीं है, इसके पैर में यहाँ पे है ना यहाँ पे इस जगह पर छेद सा हो रहा है, बहुत गहरा हो रहा है, इकाई इकाई का वो तो दोस्तों ये ना क्या चरण लगे इसमें सारी चीज, तो बच्चों में जितने काम में जितने में ओगन है ना, जितने में ओगन भरे हुए है ना वो इसकी तरह से, मैं तो बड़ा भोला बाला शरीफ सा बालक था, मैं मम्मी से पूछा दूंगा आपको, मैं मेरी दीदी से पूछा दूंगा मैं कितना भोला बालक हूँ, इतना बोले थे कि क्रिकेट खेलने भग जाते मम्मी ये कहते हैं नहीं तो पीट डली को ना, नहीं तो पीट डली। तो बचपन में खेलने चले जाते तो मम्मी बुलाती बेटा आ जा वो काम करते, बोले नहीं मम्मी पीटेगी तो ये तो नॉर्मल सी बात है। मेरी मम्मी तो कभी नहीं कहती थी तुम्हारे पापा नहीं कहते थे तुम्हारे को, पूरे घर के चक्कर नहीं काटते तुम्हारे पापा से, तुम काम कर गए हैं वो तो चुप जाती थी ढूंढते रहते, क्यों छुपती थी ओगण। दोस्तों ओगणों की खान है ना ये है, बच्चों के अंदर जितने भी ओगणों के गुण है इसे आए थे, सब पकड़ाक में आ जाए लेकिन मन नहीं आती कभी। तो बस ये ऋतिका किट्टू ना छुपे रुस्तम क्यों है इतने, वो सारे गुण इसके आए इसके अंदर।
और मेरे को कहती है बल था मर गया था थाका छोर से। अरे मैं आप मिल गई हूँ दोनों तो। मेरे में गई है थोड़ी बहुत शक्ल का हूँ यार, मुझसे मिल गया इसका मतलब ये थोड़ा है। उनकी तरकीब सब आपकी है। मेरी तरकीब नहीं, मैं तो बड़ा बड़ा आदमी हूँ। कोई नहीं कहता। सेंटर खोपड़ी तो तुम हो। कोई नहीं कहता, मैं मैं डक है मरी चिका सिकला तू है। अब रितिका इधर आना, इधर आना, इधर आ जा, इधर आ मेरे बेटा। तेरी मम्मी से ताने ना, पापा से ताने नहीं करते ना? दो नहीं करते, दो नहीं करते है। हाँ भाई किट्टू, शैतानी कौन करता? मम्मी करती है शैतानी। सारे दिन में शैतानी वो कौन करता है? किट्टू मम्मी करती है, पापा करते हैं। मैं कुछ और हूँ? मैं पूछा नहीं हो रहा, ये बता चल बेटा मेरा प्यारा बेटा, ये बता। नहीं मेरे सुन मेरी बात, शैतानी कौन करता है? मम्मी करती है ना सारे दिन भर। आपको कौन मारता है? मम्मी ना। कैसे मारती मम्मी? ऐसे मारती चाटा ना। पापा कैसे मारते हैं? पापा मारते हैं आपको। पापा कब मारे? कब मारे पापा? झूठे आई पापा तेरे ऐसे झूठे आई, ऐसे झूठे आई करिए क्या? कुछ नहीं झूठे आई करिए, उल्लू पुटा रही हूँ तू। हाँ तो दोस्तों ये बच्ची ये बाढ़ जाना देखो, जब इसको लाड़ लड़ा के ना अपनी तरफ करेगी, ये बेटी मेरी है। मैंने दिन में बताया था किट्टू क्या बोली थी, मेरे पापा की बेटी हूँ। किसी बेटी तू? हाँ पापा की बेटी, पापा की परी है ये तो। ये केवल इसे सकली मेरी मीठी है बस इतना सा, ये गोरी है, मैं थोड़ा सा इसके इसके मुकाबले काढ़ा हूँ। क्यों ओगड़ कर रही है बड़ी काढ़ा से? तुम्हारी सच्चाई बोल रहे हैं इसलिए। तो दोस्तों ये देख लेना बच्चों के ओपड़ों के खान कौन है। ये इसके बचपन में और भी बहुत से कहानी थी इसमें, कैसे जैसे कि एक बार दूध वाली क्या बात थी तुम्हारी बता दी ना, दूध की दूध सारा जल गया था। वो तो स्कूल से आके दूध गर्म करने का रहता था मेरा। चुप 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 देखो, दूध करने गर्म रहता था दूसरा भी जो लगाने के चलते ना सारा दूध दूध मिला दिया, नाम किसी और का लगा दिया। कम करके चले गए, आके पानी डाल दिया। देख लो सारे राज धीरे धीरे खुल जा रहे हैं, भले जो तुम्हारे घर से देखता है इसे तो देख लेना, देख कितनी ओगन गा रही है तुम। मैं तो ओगन कर रही हूँ, आपको किस मामा को बोल दे बड़े उधर कैसे करती हो। तो गलत क्या बोला बताओ? ऐसे हो गए दूध उदमदार के अलावा कुछ नहीं आता। और कह देते बच्चों का नाम लगा देते मेरे, जब देखो जब बच्चे को कुछ चीज गिरा दी ना, गिरा खुद देगी ना, और फिर बच्चों का नाम लगा दे छोरा तेरे को छोरी इधर आ तेरे को मैं बताऊ, फिर डांटेगी। डांटती ना मम्मा? कभी नहीं डांटा, कभी किस चीज यहाँ पे। तो तुम इनको क्यों डांटती हो? ये देख कितनी प्यारी, दोस्तों देखो एक मिनट दोस्तों इसकी शक्ल देख के बताओ कितनी प्यारी, कितनी मासूम सी, कितनी क्यूट सी बच्ची है। इसको डांटती रहती है सारी दिन भर। मम्मा डांटती है ना, मारती भी है ना, मारती भी है ना, आपको भी मारती है और दीदी को मारती है ना। हाँ दीदी को डांटती भी है और है। आपको भी डांटती है ना? हाँ झूठ बोल रही है मम्मा, नहीं डांटती। पापा नहीं डांटते ना आपको? कभी नहीं डांटते ना, हमेशा प्यार करते हैं ना। प्यार करते हैं कपड़े कौन लाता है? पापा। देखो देख लो, मैं लिए कपड़े कोई नहीं, कौन लेके आया था? सर पता बता गाइस को, बता कौन लेके आया था? पापा लिखे थे ना, कैसे गंदी बातें मम्मी क्या करी थी बेटा? मम्मी क्या करी थी? क्या गंदी बात करी थी मम्मा? दोस्तों देखो कैसी गंदी थी यार, चुप ना करना पड़ी। कौन मारेगी? मम्मी मारेगी। किसको? क्यों ऐसे ही मारेगी? मेरी बेटी को मार मार के कितना कमजोर कर दिया दोस्तों। पहले ये आधा किलो की थी ना, पाव भर की रह गई है ना। आप तो 10 किलो के थे, आप तो मेरे खाने के बाद 20 किलो के हो गए। पागल है क्या? मैं मोटा सारा था, कुछ नहीं थे। शादी फोटो में देखो, अब देखो। अरे तो उम्र के हिसाब से तो शरीर तो बढ़ता ही है ना। मैं जरूर मोटी थी, मैं पतली हो गई। अरे तुम तो भैंस थी। और दोस्तों दिखाई दे कितनी मोटी सारी थी, खाती भी नहीं थी खाना। मैं तो स्टेज के ऊपर, स्टेज के ऊपर इसका हाथ पकड़ के ऊपर आने के लिए कहा ना, तो मैंने कैमरामैन को कहा हट फादर जी, कौन है मतलब आजा वाली खुदी कैमरे के अंदर है ना। दूल्हा दुल्हन जब भी आता है ना कैमरे के अंदर, ऐसे दुल्हन का हाथ पकड़ के उतर के ना फिर आता है, बोले आ जाओ। मैं नहीं गया था,
आप आते के मैं देती नहीं आप। तू आज कह रही थी मैंने कैमरा मेरे को पागल जी फोटो खींच ले तो खींच ले, नहीं तो तू चलता बन फालतू की बकवास मत करे। मैं हाथ के हाथ और पकड़ूंगा इसका, देखा देखा मुंह देखा ऐसी जल्दी से। अरे मेरे दोस्तों पुत्री से गणित चौकी भाई मारी सीट तू है, अरे मेरी प्यारी दोस्तों देखो अब देखो इसे इसे प्यार से बात करनी पर भी वही होता है थोड़ा सा पटाके रखना पड़ता है ना, समझदार हो आप। हाँ तो बाकी बातें कल करेंगे, अभी मेरा टाइम हो गया ठीक है जिम जा रहा हूँ। ओके बाय बाय, चलो अभी जिम। दोस्तों इसकी बाइसेप्स देखो, ये देखो खतरनाक पहलवान है। खाना कम नहीं दोस्तों, मेरे जब ब्याह हुआ था ना आपको बताया था ब्याह के टाइम पर जैसे मेरे या फिर जैसे इसको लगा को बोले फलाना सोलह को ब्याह हो जाए यहाँ सोरी खुल मोटी सारी होगी मोटी मस्त होंगी। सच बात ये है पतलो बस नहीं दोस्तों मेरे देखे है मेरे को पता ही नहीं था मैंने आप सगा ये कर दी मुझे है सच्ची नहीं मुझे पता ही नहीं लेकिन आज मैं वैसी थी मोटी हो गई थी। कभी है ना मौका पड़ा ना तो मैं पूछवा दूंगा ये मोटी हुई है नहीं, मेरी दीदी से पूछवा दूंगा। आप तो देख लेना हां मेरी दीदी से, वो हमें देख लेना ना। अरे मैं मेरी दीदी से पूछवा दूंगा ना, मेरे पास फोटो है तुम्हारी। कौन सी? जब मेरे को दिखाई थी वो ना जब शादी के लिए आई थी दिखाई थी वो ये वाली। चलो ठीक है अभी तो मेरा टाइम हो गया, मिलते हैं बाय बाय।